वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम दायकम स्कूल्स। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक्स। आज हम जो काम है वो नोटबुक्स में करेंगे। तो आज का उनवान है वजू। पेज नंबर 35 पे आंसर क्वेश्चंस हैं, हम उनको नोटबुक से लिखेंगे। तो रेडी आपके नोटबुक्स? गुड। सबसे पहले आप उसमें डेट एंड डे लिखें, लाइक दिस 4 दिसंबर 2020। दिन लिखे जुम्मा, इसी तरीके से लिखे तकहीन, और तकहीन के सेंटर में लगो वन है आंसर क्वेश्चंस। सवाल आपके जवाब आपने नहीं लिख करने हैं। इससे पहले थोड़ी सी याद दिलाने करवा लें कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। वजू के बारे में पढ़ा था ना, वजू के बारे में डिटेल से बताया गया था। सबको वजू करना आ गया है ना? अगर मैं कुछ क्वेश्चन करूँ तो आप उनका आंसर मुझे कर दोगे? गुड। लास्ट लेक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप वजू के बारे में बताया गया था और आपको रीडिंग करवाई गई थी। मुश्किल अल्फाज को अपनी नोटबुक्स में भी लिखवाया गया था। तो आपने सब बच्चों ने अपनी नोटबुक्स में अल्फाज लिखे थे। गुड, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो सरगर्मी नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है, अगर हर फर्ज नमाज से पहले वजू किया जाए तो कितनी बार वजू होगा? बताए मुझे, अगर हर नमाज से पहले वजू किया जाए तो कितनी बार वजू होगा? कितनी नमाजें होती हैं? 5, तो वजू भी 5 बार होगा। ठीक है, तो कितनी बार वजू होगा? 5 बार लिखेंगे। अगर फॉर्मेशन का ख्याल रखना है, अगर हर फर्ज नमाज से पहले वजू किया जाए, थोड़ा सा करके लिखे लाइन के ऊपर, ये किया जाए तो वजू 5 बार होगा। तो वजू कितनी बार होगा? 5 बार। तो वजू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वजू में सर का मसा किया जाता है? बताएं मुझे। जी हाँ, वजू में सर का मसा किया जाता है। जी हाँ लिखेंगे। यहां के साथ आप पहले कॉमा लगाएंगे क्योंकि आपने जी हाँ की सूरत में पूरा आंसर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट, जी हाँ वजू में सर का मसा किया जाता है। किया जाता है, आत्मा का निशान। सवाल नंबर 3 है, वजू में आजा को कितनी कितनी बार धोया जाता है? तो बताएं मुझे कितनी बार धोया जाता है? यस, 3 बार। वजू में आजा को 3-3 बार धोया जाता है।
धोया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ दिस कर्मी, सवाल नंबर चार है इस सर्कर्मी का, वजू शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए वजू शुरू करने से पहले? जी हाँ, वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह पूरा लिखे, वजू वजू शुरू वजू शुरू वाओ वाओ फिट करें शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह पहले, ये नुक्ते आप नीचे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह देखिए कैसे लिखा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी चाहिए। वजू के बाद क्या पढ़ते हैं? वजू के बाद कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो ये तो थी आज की आपकी सरगर्मी नंबर वन क्वेश्चन आंसर। इसको आपने खूबसूरती के साथ अपने नोटबुक्स पे लिखना है, और कोई लिखने में अगर कोई डिफिकल्टी हो तो काइंडली मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।